नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद राकेश चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था त्रिकोणमितीय अनुपात, न्यून कोण थीटा के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। इसको याद करने के लिए हमने सरल शब्दों में जाना था लाल बटे कका, जिसमें साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण है और टैन थीटा का लंब बटे आधार होता है। आज हम जानेंगे बहुत ही सरल तरीके से त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम अनुपात के बारे में। तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का, सेक थीटा कॉस थीटा का और काट थीटा टैन थीटा का परस्पर व्युत्क्रम अनुपात होता है। तो इसमें जानेंगे हम सबसे पहले व्युत्क्रम अनुपात को जानने के लिए दो सरल शब्द को हमको जानना है, जो है कका बटे लाल, जिसमें का अर्थ होता है कर्ण, आ का अर्थ होता है आधार, ला का अर्थ होता है लंब, आ का अर्थ होता है आधार। तो इसमें देखेंगे कॉसेक थीटा जो साइन थीटा का व्युत्क्रम है, कॉसेक थीटा बराबर होता है, इसमें हम जानेंगे कॉसेक थीटा का अर्थ होता है का बटे ला, तो का कर्ण होता है और ला होता है लंब। सेक थीटा का बटे आ होता है, का होता है कर्ण, आ का होता है आधार। कॉट थीटा आ का होता है आधार और ला का होता है लंब। इस तरीके से हम त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम अनुपात के कॉसेक साइन थीटा, सेक कॉस थीटा एवं कॉट टेन थीटा जो परस्पर व्युत्क्रम अनुपात में होते हैं, उनके अनुपात को हम बड़े ही आसान तरीके से दो शब्द कका बटे लाल को याद करके कर सकते हैं। देखिए इनके व्युत्क्रम अनुपात में क्या संबंध होता है। कॉसेक थीटा बराबर साइन 1/sin थीटा होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा होता है और कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। इसमें और हम इसको आगे और बना सकते हैं, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरीके से सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरीके से कॉट थीटा इंटू टैन थीटा बराबर 1 होता है और साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा में संबंध होता है, इसमें टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो आज हमने सीखा बहुत ही सरल तरीके से त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम अनुपात कॉसेक साइन थीटा, सेक कॉस थीटा एवं कॉट टैन थीटा के जो परस्पर व्युत्क्रम अनुपात में होते हैं, इनके अनुपात को याद करने के लिए हमने दो शब्द कका बटे लाल का उपयोग करके बहुत ही आसानी तरीके से सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद राकेश चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था त्रिकोणमितीय अनुपात, न्यून कोण थीटा के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। इसको याद करने के लिए हमने सरल शब्दों में जाना था लाल बटे कका, जिसमें साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण है और टैन थीटा का लंब बटे आधार होता है। आज हम जानेंगे बहुत ही सरल तरीके से त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम अनुपात के बारे में। तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का, सेक थीटा कॉस थीटा का और कॉट थीटा टैन थीटा का परस्पर व्युत्क्रम अनुपात होता है। तो इसमें जानेंगे हम सबसे पहले व्युत्क्रम अनुपात को जानने के लिए दो सरल शब्द को हमको जानना है, जो है कका बटे लाल, जिसमें का अर्थ होता है कर्ण, आ का अर्थ होता है आधार, ला का अर्थ होता है लंब, आ का अर्थ होता है आधार। तो इसमें देखेंगे कॉसेक थीटा जो साइन थीटा का व्युत्क्रम है,
कॉसिक थीटा बराबर होता है, इसमें हम जानेंगे कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा का अर्थ होता है का बटे ला, तो का कर्ण होता है और ला होता है लम। सेक थीटा का बटे आ होता है, का होता है कर्ण, आ का होता है आधार। कॉट थीटा आ का होता है आधार और ला का होता है लम। इस तरीके से हम त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम अनुपात के कॉसेक साइन थीटा, सेक कॉस थीटा एवं कॉट टेन थीटा जो परस्पर व्युत्क्रम अनुपात में होते हैं, उनके अनुपात को हम बड़े ही आसान तरीके से दो शब्द कका बटे लाल को याद करके कर सकते हैं। देखिए इनके व्युत्क्रम अनुपात में क्या संबंध होता है। कॉसेक थीटा बराबर साइन एक बटे साइन थीटा होता है, सेक थीटा बराबर होता है एक बटे कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर होता है एक बटे टेन थीटा। इसमें और हम इसको आगे और बना सकते हैं, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर एक होता है, इसी तरीके से सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक होता है, इसी तरीके से कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर एक होता है, और साइन थीटा कॉस साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा में संबंध होता है। इसमें टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो आज हमने सीखा बहुत ही सरल तरीके से त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम अनुपात कॉसेक साइन थीटा, सेक कॉस थीटा एवं कॉट टेन थीटा के जो परस्पर व्युत्क्रम अनुपात में होते हैं, इनके अनुपात को याद करने के लिए हमने दो शब्द कका बटे लाल का उपयोग करके बहुत ही आसानी तरीके से सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।